वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन स्टूडेंट्स। बहुत छुट्टियों के बाद आज से क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं। स्टूडेंट्स से हम लोगों ने चैप्टर वन कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर टू में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलीनोमियल्स के बारे में। और पॉलीनोमियल्स में हमने रिमाइंडर थ्योरम और जीरो जब पॉलीनोमियल ये सारी चीज़ें बता चुके थे। रिमाइंडर थ्योरम भी समझाया जा चुका था। रिमाइंडर थ्योरम मतलब ये होता है किसी पॉलीनोमियल को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, पी ए आता है। उसी बेस पे मैं यहाँ पर आगे डिस्कशन करूंगा आज आपको रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मैं ये है डिवीजन करना है तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग एक्स माइनस टू से डिवाइडेड एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सबसे पहले है एक्स की पावर फोर है, एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज एक्स क्यूब। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का एक्स में इंटू करेंगे एक्स की पावर फोर और माइनस टू एक्स क्यूब आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, साइन चेंज हो जाता है माइनस थ्री एक्स क्यूब। जब साइन चेंज होता है जो नया साइन आता है उसी की वैल्यू लेते हैं। माइनस थ्री प्लस टू क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब आपके पास आ गया माइनस एक्स क्यूब, क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, रिजल्ट क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस वन। एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस वन, एक्स माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस वन वन। तो ये आपका डिवीजन करने पे रिमाइंडर आ गया वन। ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। दिस इज द पी एक्स, ये क्या है आपका पॉलीनोमियल, सिंबल है पॉलीनोमियल्स का, और x माइनस टू से डिवाइड करना है। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू क्या आएगा टू। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू पी टू। तो यहां पर x की पावर फोर, वी कैन राइट दिस टू की पावर फोर माइनस थ्री, टू की पावर थ्री प्लस टू स्क्वायर प्लस टू एंड माइनस टू की पावर फोर सिक्सटीन आएगा, टू की पावर थ्री एट, थ्री जा ट्वेंटी फोर, टू की पावर टू फोर, टू जा एट प्लस टू माइनस सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी फोर और माइनस माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव। देखिए रिमाइंडर यहां भी क्या आ गया वन। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले की वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम में बहुत एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज इसे मैसेज डालिए, और आपके मैसेज अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उस क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को जरूरी नहीं कि आपको तुरंत एक्सप्लेन किया जाए, हाँ एक दो वीडियोज के बाद उनको प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके एक साथ में आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हाँ आगे हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। उसके लिए मैं आज कुछ आइडेंटिटीज आपको बता रहा हूं, उसको आप लर्न करिए, वो करना आपके लिए कंपलसरी है।
जैसे कुछ आइडेंटिटीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सपोज दैट पहली आइडेंटिटी आपके पास रही है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फिर है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स माइनस वाई होल, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ऐसे इक्वेशंस जो सभी वैल्यू को सेटिस्फाइड करें उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। और इक्वेशन क्या होती हैं? जो कि कुछ ही वैल्यू को सेटिस्फाइड करती है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। फिर आते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखिएगा एक्स माइनस वाई का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपके पास हो गई कितनी? एक दो तीन चार पांच छह, सिक्स आइडेंटिटीज ये हैं। इसको लर्न करना है, नोट आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आइडेंटिटीज हैं, उनको भी मैं लिख रहा हूं। सिक्स ये हो गई। और देखिएगा आगे आइडेंटिटीज आपके पास, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग फैक्टराइजेशंस करेंगे। फैक्टराइजेशन के बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए जैसे हमारे पास है अगली आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। फिर आपके पास है आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स। और आंटी आपके पास एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसपे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये आपके पास आइडेंटिटीज हुई। इसमें एक आइडेंटिटी ये कहती है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ये आइडेंटिटी आप किससे पहले मैंने कितनी बताई थी? पांच बताई थी, छ सात आठ एक नौ। टोटल आइडेंटिटीज आपके पास कितनी हो गई स्टूडेंट्स? नाइन आइडेंटिटीज हैं। इनको आप लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा फैक्टर थ्योरम होगा। क्लियर? फैक्टर थ्योरम में क्या होता है,
अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, जैसे हमने वहां रिमाइंडर निकालना सिखाया था भाई रिमाइंडर थ्योरम में, इफ रिमाइंडर विल बी जीरो देन x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर दिस इज द फैक्टर थ्योरम। और भी इस पे एक्सप्लेनेशन होगा, वो हम पहला काम आज के लिए आज इतना ही करेंगे। आज इस फार्मूले को लर्न करिए, इसके बाद डिस्कशन फैक्टराइजेशन का हम नेक्स्ट वीडियो में कल करेंगे। ओके स्टूडेंट।